हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी वर्दा किंग में आपका स्वागत है। टिकटॉक तो शहर का हो चोर हो गया, जो या कुछ करे या ना करे, लेकिन शहर में यदि कहीं भी चोरी होगी तो इसे पकड़ लेंगे। फिर इसे बेचकर तो आ गए आप कैसे हो। जैसा कि आपको पता है, इंडिया में टिकटॉक और यूसी बाउज़र से लेकर 59 ऐप को बैन कर दिया गया। क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि जो बॉर्डर पर टेंशन चल रहा है, उस वजह से यह जो चाइनीज़ ऐप है, हो सकता है कुछ अंदेशी भी है कि 133 करोड़ भारतीयों का जो डाटा है, जो या प्राइवेसी है, या थर्ड पार्टी को या किसी और देश को दे सकते हैं, जिससे नेशनल सिक्योरिटी में समस्या आ सकती है। बहुत बढ़िया गया, और यह तो हो सकता है, और पहले भी इनके बारे में ऐसी जानकारियां निकली हुई है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। फिलहाल गूगल प्ले स्टोर से बैन किया है और नेशनल ऑपरेटर द्वारा भी बैन की जाएगी। मतलब कि इन ऐप को आप फिर भी यूज़ करते हो तो आप जैसे ही ऐप ओपन करोगे तो ऐप में से निकलेंगे नरेंद्र मोदी जी और आपके मुंह पे एक रेपटा मार के बोलेंगे कि तेरी समझ नहीं आई, जब ऐप बंद कर दी तो चलानी ज़रूरी है। और अंतिम सवाल, क्या यह वापस आ जाएगी? देखो भाई साहब, इनमें से अधिकतर ऐप अब वापस नहीं आएगी, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी ऐप है जैसे कि टिकटॉक। टिकटॉक है भैया अश्वत दमा, यह नहीं मरेगा। ये बैन हो जाता है फिर आ जाता है, बैन हो जाता है फिर आ जाता है, यह बहुत ही बेशरम है। फिलहाल ट्विटर पर उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने मीटिंग की है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनको 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 बताया है कि हम देश का, इंडिया का जो प्राइवेसी है और सिक्योरिटी है, उसको पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम किसी थर्ड पार्टी को या किसी देश को या खुद भारत को या चाइना गवर्नमेंट को बिल्कुल भी डाटा नहीं देंगे, डाटा बिल्कुल भी नहीं देंगे। मतलब कि मुझे पूर्ण आभास हो रहा है कि बाकी ऐप का तो पता नहीं, लेकिन टिकटॉक वापस आ जाएगा। लेकिन जो भी टिकटॉक क्रिएटर थे, उनसे निवेदन है कि टिकटॉक तो ऐसे ही रोना रहता है हर टाइम, आप कोशिश करो कि किसी अन्य प्लेटफॉर्म का अपना टैलेंट बखेरो, और बाकी जो ऐप भी आपके पास में है तो उन्हें लात मार मार के बाहर धकेलो।